हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन कायनात किचन। आज हम बनाएंगे चीज़ी ब्रेड रोल्स। इन ब्रेड रोल्स को हम बॉइल्ड आलू, पनीर और चीज़ से फिल करेंगे। रमज़ान भी चल रहे हैं तो आप इसे इफ्तार में भी बना सकते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करें। झटपट से इसके इन्ग्रीडियंट देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लाल और हरी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ले रही हूँ। अगर आपके पास सिर्फ हरी शिमला मिर्च है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रोज़न कॉर्न है ये, और ये एक छोटी बारीक कटी हुई गाजर है। ये सिर्फ मैंने कट किए हैं, इन्हें बॉईल नहीं किया है अभी तक मैंने। ये 2 से 3 उबले हुए और मैश किए हुए आलू हैं, और 1 से 2 चम्मच ग्रेट किया हुआ पनीर है, और साथ में ले रही हूँ ब्राउन ब्रेड 4 पीसेस। साथ में मैं पिज़्ज़ा चीज़ ले रही हूँ, ब्लैक पेपर। मैं हरी मिर्च यूज़ नहीं कर रही हूँ, बच्चे के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं हरी मिर्च अवॉइड कर रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और ये ब्रेड क्रम्स है। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए जो ब्रेड का ऊपर और नीचे का जो ऐसा ही ब्रेड पीस होता है जिसे कोई खाता नहीं है, आप उसे ग्राइंडर में चलाकर ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पैन लेंगे, इसमें 1 से 1.5 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे। जैसे ऑयल गर्म होगा इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच के लगभग ज़ीरा डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो कैरेट और कॉर्न को बॉईल करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इनको थोड़ा सॉटे करूँगी, इससे इसका फ्लेवर और भी थोड़ा बढ़ जाएगा। सारी सब्जियों को हम पैन में डाल देंगे और लगभग 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इन्हें सॉटे करेंगे। जो को हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर थोड़ी देर फ्राई करेंगे, यानी सॉटे करेंगे, ग्लेज करेंगे इन्हें। नमक ऐड नहीं करेंगे, नमक ऐड करने से पानी छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हम उसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसमें बॉइल्ड और मैश्ड आलू डालेंगे। 2 से 3 आलू लिए हैं मैंने, और 1 से 2 बड़ा चम्मच पनीर लिया है ग्रेट किया हुआ। अब इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 से 1/2 छोटा चम्मच। आप अगर और स्पाइसी करना चाहते हैं तो ग्रीन चिली या फिर चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक डालेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। वैसे मैं यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच के लगभग, 1 से 1/2 छोटा चम्मच के लगभग मैं नमक डाल रही हूँ। इसके बाद इस स्टफिंग को अच्छे से मिला देंगे। स्टफिंग को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चीज़ ग्रेट करेंगे। मैं यहाँ पे नॉर्मल पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आपके पास मोज़रेला, प्रोसेस जो भी चीज़ हो आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद इसे मिक्स कर देंगे। स्टफिंग हमारी रेडी है। अब हम ब्रेड बॉल्स बनाएंगे इसे स्टफ करके। ये ब्रेड की साइड्स को हम चाकू की हेल्प से कट कर लेंगे। आप इन साइड्स को फेंके नहीं, आप चाहें तो इनके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। सारे ब्रेड्स की साइड्स हम निकाल लेंगे। स्टिम कर ली है मैंने, अब आगे की प्रोसेस करते हैं। एक बर्तन में पानी ले लीजिए आप। पानी में एक ब्रेड की स्लाइस को डिप कीजिए, उसे हथेलियों की हेल्प से स्क्वीज कीजिए। ये टूट गया है बट कोई नहीं, सेट हो जाएगा ये। अब हम स्टफिंग लेंगे अपनी, जितनी भी आप स्टफिंग फिल करना चाहते हैं इसमें, फिर इसको रोल करेंगे। आप चाहें तो इसे दूसरा शेप भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे राउंड शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो इसे सिलेंड्रिकल शेप भी दे सकते हैं। अब इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर देंगे ताकि ये क्रिस्पी बने। बाकी के ब्रेड रोल्स भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे। रेडी हैं, अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म है। तेल को हमें थोड़ा तेज़ गर्म ही रखना है। अगर ज़्यादा ठंडे तेल में हम ब्रेड रोल को डाल देंगे तो वो तेल ज़्यादा पी लेते हैं और उतने क्रिस्प भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमें थोड़ा तेल तेज़ करके उसको फिर मीडियम आंच पे सेट कर देना है। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया डालते ही, और इससे क्या होगा, ब्रेड रोल्स ज़्यादा तेल भी नहीं पिएंगे। अब इसे थोड़ा मैं और क्रिस्प फ्राई कर लूँगी। बाकी के ब्रेड रोल्स को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सारे ब्रेड रोल्स फ्राई हो गए हैं, ये देखिए कितने क्रिस्प लग रहे हैं। अब हम इन्हें सर्व करते हैं। गर्मा गर्म चीज़ी ब्रेड रोल्स को केचप के साथ सर्व करें। आप चाहें तो इन्हें शेजवान चटनी या फिर ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देखिए कितने यमी बने हैं, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स और भी ऐड कर सकते हैं जो आपके पास इस लॉकडाउन में अवेलेबल हो। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।